हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी टाइम एंड माई सेल्फ विद प्रकाश। इंडियन पॉलिटी के सीरीज में आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं जुडिशरी ऑफ इंडिया। जुडिशरी ऑफ इंडिया का मोटो है यतो धर्मस्तो जया, जिसका मतलब होता है जहां धार्मिकता है वहां विजय है। जुडिशरी ऑफ इंडिया को पहले कॉलोनियल जुडिशरी कहा जाता था। अगर मैं इसके फाउंडेड की बात करता हूं तो ये सबसे पहले मयूर्स कोर्ट मद्रास 1726 में इसकी स्थापना हुई थी। एंड इसका जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो दो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं बेसिकली। तो पहला है यहाँ पर नेशनल जुडिशियल एकेडमी जो कि भोपाल है, और दूसरा है स्टेट जुडिशियल एकेडमी जो कि स्टेट वाइज होता है। अगर मैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी की बात करता हूँ तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही केवल कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है। अगर मैं इनके लीगल पर्सनालिटी ड्यूटीज की बात करता हूँ तो पहले आता है जुडिशरी, सेकंड इज जुडिशियल सर्विस, थर्ड इज प्रोवाइड जस्टिस टू विक्टिम, मतलब जो विक्टिम है उसको जस्टिस प्रोवाइड करना, एंड चौथा है पनिश द ऑफेंडर, तो जो ऑफेंडर है उनको पनिश करना। अब बात कर लेते हैं हायरार्की ऑफ कोर्ट इन इंडिया। सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, फिर आता है हाई कोर्ट, फिर आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में सिविल और क्रिमिनल केसेस को देखे जाते हैं। फिर आता है एग्जीक्यूटिव एंड रिवेन्यू कोर्ट। तो ये थे हमारे हायरार्की ऑफ कोर्ट इन इंडिया। तो जो हेड ऑफ जुडिशरी होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। एंड अगर मैं सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट की बात करता हूँ जो जजेस होते हैं, तो पहला आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनकी करते हैं किसकी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ कोलेजियम। वही बात करते हैं अगर गवर्नर की, तो गवर्नर क्या करता है, गवर्नर फॉर सबऑर्डिनेट जुडिशरी, मतलब जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनके जजेस की जो अपॉइंटमेंट या फिर सिलेक्शन होता है वो गवर्नर के थ्रू होता है। बट यहाँ पे है कि आफ्टर पासिंग द जुडिशियल सर्विस एग्जाम, बट उनको क्या है, जुडिशियल सर्विस एग्जाम देना पड़ता है और उसको पास करना होता है, तभी वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज बन सकते हैं। अब अगर बात कर लेता हूँ जजेस के एसोसिएशन की, तो इंडिया में केवल एक ही एसोसिएशन है, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन। चलिए जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 में मेंशन किया गया है। वहीं हाई कोर्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 214 में मेंशन किया गया है। इन सुप्रीम कोर्ट देयर आर 31 जजेस, मतलब की जो सुप्रीम कोर्ट है वहां टोटल जजेस की संख्या 31 होती है, जिसमें से 30 जजेस होते हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। एंड वही अगर मैं हाई कोर्ट की बात करता हूँ तो द नंबर ऑफ जजेस डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ स्टेट एंड पॉपुलेशन। तो जो हाई कोर्ट के जजेस के नंबर्स होते हैं वो डिपेंड करता है उस स्टेट के साइज पर और वहां की पॉपुलेशन पर। अब मैं अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करता हूँ तो पूरे इंडिया में केवल एक ही सुप्रीम कोर्ट है, और वही मैं अगर हाई कोर्ट की बात करता हूँ तो पूरे इंडिया में चाहे वो स्टेट हो चाहे यूनियन टेरिटरी हो, सब में मिला करके टोटल 24 हाई कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का, और जज एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 ईयर का। अब जो जज एक्सपीरियंस है वो आपको कहाँ से मिलता है, हाई कोर्ट वगैरह से मिलता है। वहीं अगर बात कर लेता हूँ हाई कोर्ट जजेस की एलिजिबिलिटी के, तो पहला आता है यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है और एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास 10 ईयर। चलिए बात कर लेते हैं एडहॉक जजेस की। एडहॉक जजेस को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और ये जो जजेस होते हैं ये रिटायर होते हैं किससे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, और इनको स्पेशली किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए ही केवल अपॉइंट किया जाता है। अब मैं अगर बात करता हूँ द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो वो है सर मॉरिस गोयर। अब मैं अगर बात करता हूँ प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो वो है शरद अरविंद बोबड़े। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की। तो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा In present time, how many states have only Vidhan Sabha? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 22। इसका मतलब है कि 22 स्टेट ऐसे हैं जहां पर केवल और केवल विधानसभा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, और आज का हमारा क्वेश्चन है Who appoints Supreme Court and High Court judges? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकेंड इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर थर्ड इज चीफ मिनिस्टर, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज गवर्नर। तो आप हमें अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्विज देना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।